गलातियों 3:10 में, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। आज हमारे लिए जो चीज़ें दी गई हैं वो एक अनुग्रह का वातावरण है, वह एक ऐसा वातावरण है जिसकी कीमत प्रभु ने अपना लहू बहा करके हमारे लिए दिया, जिसकी कीमत प्रभु ने अपने शरीर पर घाव सहकर हमारे लिए दिया, हमारे लिए एक ऐसा द्वार खोल दिया कि अब हमें व्यवस्था के श्राप से, अब हमें उस व्यवस्था के श्राप से जहाँ पर हमें सही परिस्थिति नहीं थी, जहाँ पर एक शारीरिक दशा का दिखावा था, जहाँ पर हम परमेश्वर के उस तेज को, उस प्रताप को, संपूर्ण दशा को देख नहीं पाते थे, उस परिस्थिति से निकाल करके परमेश्वर हमें अनुग्रह की परिस्थिति को प्रदान किया। तो आज हम उस परिस्थिति में अपने आप को किस दशा में रख पा रहे हैं? आज यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए सब कुछ करना चाहता है। जो भी हमारी जिंदगी में घटी है, जो भी कमी है, वो सारी चीजों को परमेश्वर पूर्ण दशा में देना चाहता है। पर हम अपने आप को कहां पर रखे हुए हैं? हम अपने आप को किस आधार पर जीवन जी रहे हैं? आज मसीह हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है, मसीह हमें छुड़ाना चाहता है, मसीह हमें बचाना चाहता है, पर हम अपने आप को उसके उस प्रतिज्ञा में हम अपने आप को शामिल नहीं कर पाते हैं, उस विश्वास की परिस्थिति को पूर्ण आकार नहीं दे पाते हैं, और हम अधूरे परिस्थिति में मसीह को जानते हैं, हम अधूरे परिस्थिति में उस खुदावन को जान पाते हैं। याद रखें कि मसीह में सब कुछ हमारे लिए दिया गया, सब कुछ। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, वहां पर लिखा है एफिसियों अध्याय 1:3 को हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहां पर देखिए कैसी आशीष हमारे लिए रखी गई है। इफिशियों 1:3 को हम आपके लिए पढ़ेंगे, ध्यान से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में, याद रखना, फोकस करिए, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। सब प्रकार की आशीषें हमारे लिए दी गई हैं, कहां? मसीह में। क्यों? क्योंकि मसीह परिपूर्ण दशा में होकर हमारे बीच में आया। जो वादे, जो प्रतिज्ञाएं अब्राहम से परमेश्वर ने किया, वो मसीह यीशु में पूर्ण रूप से हमें मिल जाती हैं, क्योंकि वो विश्वास से शुरू किया। जो विश्वास से जीता है वो प्रतिज्ञाओं में जीता है, याद रखना। जो विश्वास से जीता है वो प्रतिज्ञाओं में जीता है। ये 3 वहां पढ़ेंगे, गलातियों 3:7 में हम पढ़ेंगे। वहां ऐसा लिखा गया है, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे अब्राहम की संतान हैं। अब्राहम की संतान है। अब्राहम से जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की, बातें की कि तू आशीषों का मूल होगा और जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, तेरे पास किसी चीज की घटी नहीं होगी, तू भरपूरी की दशा में रहेगा। तो यहां पर लिखा है कि अब अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। अगर आज आप विश्वास करने वाले हैं, उसके वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करने वाले हैं, तो आप वो अब्राहम जिसको परमेश्वर ने आशीष का मूल कहा है, वही आशीष आज मसीह यीशु में हमारे लिए भरपूरी के साथ रखी गई है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा कभी बदलती नहीं है। समय बदला, लोग आए और लोग चले गए, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा आज तक हमारे लिए वैसी ही है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा वचन से परमेश्वर ने किया। ये प्रतिज्ञा हर उन विश्वास करने वालों के लिए दिया गया जो मसीह पर विश्वास करते हैं। इसीलिए यहाँ पर इफिसियों 1:3 में इस बात को लिख दिया कि स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें हैं मसीह में। आज अगर आप मसीह के जीवन शैली को अपने जीवन में लेकर चलते हो, तो परमेश्वर आपको छुटकारा प्रदान करेगा। ये पहला काम करेगा प्रभु।
क्योंकि जब आप मसीह में आएंगे, जब उसके जीवन शैली को अपनी शैली बनाएंगे, जब उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे, जब उसके वचन के अनुसार जीने के लिए अपने आप को आप तैयार करेंगे, तो परमेश्वर का उत्तरदायित्व है कि वो आपकी ज़िंदगी को ऊंचे स्थानों पर रखे। क्योंकि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वह इसीलिए ही है कि उसके लोगों के लिए है, उसके बेटे और बेटियों के लिए है कि जो उस पर भरोसा रखे, जो उस पर विश्वास के साथ चले, उसकी ज़िंदगी को वो ऊंचा स्थान दे। अब्राहम विश्वास से चला और वो ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठता गया। उसके जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं, उसके जीवन में जो आजमाइशें आती हैं, वो भी विश्वास के साथ उसने उस आजमाइश में अपने आप को खड़ा रखा, प्रभु के वचन को पूरा किया और वो याद रखे मूल पिता कहलाया, उन्नत पिता और फिर मूल पिता कहलाया। आज आपके ज़िंदगी में भी परमेश्वर आशीषों को देना चाहता है। शायद वो कह दिया है कि चलना है तो चल और मैं तुझे दूंगा, तू चल मैं तुझे दिखाऊंगा, पर आपको चलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब्राहम चला और वो आशीषों का मूल बन गया, याद रखना है। आज आप चलते हैं, जब यीशु के साथ आप जीते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते प्रभु मैं 5 दिन हो गया आपको जाने हुए, मुझे सारी आशीषें दे दो, मुझे 1 हफ्ते हो गया प्रभु मुझे आशीषें दे दो। परमेश्वर वो आपको इसीलिए ही बुलाया है, इसीलिए ही वो आपको स्मरण किया है कि वो आपको आशीष दे। भजन 115:12 को हम पढ़ेंगे, यहोवा ने हमको स्मरण किया है कि वह आशीष देगा। यहोवा ने हमको स्मरण किया है। अब्राहम को किसने स्मरण किया? यहोवा परमेश्वर ने। और अब्राहम को आप पढ़िए बाइबल, बहुत ही वो लिखा है कि सोने रुपए का वो बहुत बड़ा धनी था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दास दासियां, गधे गधियां, गाय भैंस भेड़ बकरियां, वो बहुत धनी व्यक्ति बन चुका था क्योंकि परमेश्वर उसकी अगुवाई करता था। आज यहाँ लिखा है कि यहोवा परमेश्वर हमको स्मरण किया है कि वो आशीष दे। वो आज आपको स्मरण किया है कि आपको आशीष दे, और वह इसराइल के घराने को भी आशीष देगा और वह हारून के घराने को भी आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, वो सबको परमेश्वर, जितने यहोवा के डरवैये हैं, जो परमेश्वर का भय मानते, वह उन्हें आशीष देगा। आमीन। तो परमेश्वर आशीष देने के लिए वो तैयार है, वो आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, आपके जीवन को सही करने के लिए तैयार है। आज आपको अपने उस वचन को जो खुदावन ने हमारे लिए किया है, उस वचन को हमें अपने जीवन में पकड़ लेना है। परमेश्वर जो कह रहा होता है कि स्वर्गीय स्थानों में सारी चीज़ें हमारे लिए दी गई हैं, मसीह में, इससे बाहर नहीं, उसके ही सीमा में कहता है मैं तेरी सीमा में शांति दूंगा, तुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। तो परमेश्वर की एक बाउंड्री है, परमेश्वर की एक सीमा है जिसमें हमें अपने जीवन को समर्पित करना है। उस ग्राउंड से हमें बाहर नहीं जाना है, उस ग्राउंड में हमें ही रहना है, उस ग्राउंड के अंदर, उस सीमा के अंदर ही अपने आत्मिक जीवन को बहुमूल्य बनाना है। अगर आप मसीह से जीवन चाहते हैं, उससे आशीष चाहते हैं, तो वो तो बहुतायत में देने के लिए कह दिया है, पर आपको उस सीमा को नहीं लागना है जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया। जब हम उसके निकट आते हैं तो विश्वास की दशा में हम उसके साथ जीने के लिए तैयार होते हैं। आप जब उसकी संगति में आते हो तो आपको परमेश्वर कहता है कि विश्वास करना है, तो विश्वास करने से जो जो चीज़ें मिलती हैं हम उस पर विश्वास करना शुरू करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं ताकि हमारा विश्वास बढ़े, उसके वचन को मनन करते हैं ताकि हमारा भरोसा बढ़े, और हम जब विश्वास के साथ, आशा के साथ, प्रार्थना के साथ जीना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए जो प्रतिज्ञाएँ की गई हैं अब्राहम के समय में, वो सारी चीज़ें मसीह यीशु में हमारे लिए दे दी जाती हैं। वो रुकती नहीं है, पर हम अपनी ज़िंदगी को उसकी सीमा से हम बाहर कर लेते हैं, हम अपने आप को उसके बाहर लेके आ जाते हैं और हम परमेश्वर के दशा को तोड़ देते हैं, परमेश्वर के उस आत्मिकता की बाउंड्री को हम छलांग लगा करके अपनी ज़िंदगी में हम जीना शुरू कर देते हैं, अपनी मर्जी से हम जीने शुरू कर देते हैं, ताकि हम और हमारे लिए उस टाइम में क्या आता है, कुछ भी परिस्थिति सही नहीं हो पाती है। जैसे कि एक बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इफिसियों 4:18,
उसको ध्यान से देखिए, इफिसियो 4:18 में क्या लिखा है कि यह मनुष्य की जो अज्ञानता है वो तमाम परिस्थितियों को, बुराई की परिस्थितियों को पैदा कर देती है। पढ़िएगा, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है। अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनकी बुद्धि अंधकार में चली गई है और उनके मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर के जीवन से आप अलग किए हुए हैं, आप सही परिस्थितियों में नहीं हैं। आज प्रभु वो हर आशीषें आपके लिए देना चाहता है, आपकी जिंदगी का समाधान करना चाहता है। पर यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट लिखा गया है, अज्ञानता, कि जब आप अपनी जिंदगी में कुछ भी जानते नहीं हैं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, या आप जानकर भी परमेश्वर हमसे ये चाहता है फिर भी हम उसके विपरीत काम करते हैं, फिर भी हम उसके उल्टा काम करते हैं। जो चीज़ परमेश्वर को अच्छा लगता है हम वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाते हैं, या जिससे हम आत्मिक ज़िंदगी में बल को प्राप्त करें, जो आत्मिक रास्ते हैं हमारे लिए खुलें, समृद्धि के रास्ते हमारे लिए खुलें, इसके लिए जो चीज़ हमें करना चाहिए हम उससे बाहर करते हैं, और वहाँ हमारे लिए एक अज्ञानता का शब्द आता है। आप जब तक, बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना 8:32 आयत को अगर आप पढ़ें तो वहाँ स्पष्ट लिखा है, सत्य को जान सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानना है मतलब अज्ञानता में नहीं रहना है। बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि ओ भैया आप तो हमारे लिए कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं कि आपको परमेश्वर ने बनाया और आप परमेश्वर के सामने अभिमान की दशा में बात नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य नाशवान है। लेकिन आपको अविनाशी दशा में बदलने के लिए, अविनाशी दशा में ले जाने के लिए जो मसीह का प्रोग्राम है वो अद्भुत है। वो विश्वास की दशा से ही शुरू होता है, और जब तक आप इसके विषय में जानेंगे नहीं, जब तक आप इसकी गहराइयों को नहीं समझते हैं, तब तक आपके लिए वो हर चीज़ें दूर होती हैं, आपके पहुंच से दूर होती हैं, चंगाइयाँ आपसे दूर हो जाती हैं, आशीषें आपसे दूर होती हैं, क्योंकि अब आपकी जो रुचि होती है वो संसार में अधिक होता है पर मसीह में नहीं। अभी हमने पढ़ा इफिसियो 1:3 में कि हमारे लिए हर आशीषें मसीह में रखी हुई हैं, हमारे लिए आशीषें रखी हुई हैं। अब यह नहीं कि हमारे लिए आशीषों का प्रोग्राम करेगा, परमेश्वर हमारे लिए आशीषें बनाएगा, आशीषें तैयार करेगा, परंतु उसने आशीषें रख दी हैं, अब उसको केवल देना ही है। और हम लेने वाले अपनी बुद्धि और अपनी संसार की तमाम अज्ञानता को बीच में ला के खड़ा कर देते, और यही कारण है कि हमारी अज्ञानता ही हर आशीषों को रोक देती है। हमारी जो बुद्धि है, पाप की बुद्धि है, जो बुरी अभिलाषा है, ऐसी चीज़ें हमारे बीच में दीवार खड़ी कर देती हैं, जिससे हम मसीह में आशीषों के हकदार नहीं हो पाते हैं और हम लंबे समय तक संघर्षों में रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा जब आपको संगति देना चाहता है तो आप संगति नहीं करते। आपको कह रहा है कि चर्च में जाकर संगति करना है, वचन सुनना है, उसकी स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, पवित्रता के साथ जीना है, खुदावन में विश्वास के साथ बपतिस्मा लेना है और आदर पूर्वक खुदावन को आदर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए करके प्रभु कह रहा होता है, तब हम इन बातों से बहुत दूर अपने आप को संसार से बचा लेते हैं और सोचते हैं कि हे भैया कहीं संसार के लोग हमें माने ना, हमें संसार के लोग हमें घायल ना करें, संसार के लोग हमें ताड़ना ना दें, संसार के लोग हमें बुरा ना कहें, इसलिए चलो हम संसार की मेज को भी और परमेश्वर की मेज दोनों को साथ में ले लेते हैं। और आप दोनों चीजों में संतुलन करते हैं, परमेश्वर भी एक तरफ है और संसार भी एक तरफ है। वहां हमारे लिए कुछ भी परमेश्वर नहीं कर पाएंगे, वहां परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यदि परमेश्वर करते भी हैं तो वहां महिमा आप संसार को ही देंगे, परमेश्वर को नहीं। इसलिए वो अपने आप को आपके लिए तो दे दिया है, वो पूर्ण रूप से दे दिया है ताकि आपकी अधूरी परिस्थिति मिट जाए, लेकिन हमें अज्ञानता की दशा से दूर होना पड़ेगा, सच्चाई को जानना पड़ेगा, ताकि वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम से की है वो हमारे लिए आ जाए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।